नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। हाल ही में भारत ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। T20 वर्ल्ड कप के आखिरी पलों तक रोमांचक रहे फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। 2007 के पहले टूर्नामेंट में चैंपियन बनी भारतीय टीम की ये T20 वर्ल्ड कप की दूसरी खिताब जीती है। इसके साथ ही टीम ने 2 बार विजेता बनने वाली वेस्टइंडीज और इंग्लैंड टीम की बराबरी कर ली है। वेस्टइंडीज और अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में हुए इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और अजेय रहते हुए ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग, तीनों ही फील्ड में भारतीय प्लेयर्स छाए रहे और आज जब हमारे हीरो दिल्ली पहुंचे तो उनके स्वागत में पलके बिछा दी गई। खुद देश के PM मोदी ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इतना ही नहीं, उनके साथ हंसी मजाक और यादगार पल भी बिताए। लेकिन इसी के साथ 1983 की एक सियासी तस्वीर भी वायरल हुई। देखिए रिपोर्ट। T20 विश्व कप की ट्रॉफी के साथ टीम इंडिया भारत लौट चुकी है। एयरपोर्ट से लेकर होटल ITC मौर्य तक क्रिकेट फैंस ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भारतीय खिलाड़ियों का भव्य स्वागत किया। होटल पहुंचने पर कप्तान रोहित शर्मा सहित ऋषभ पंत, सूर्या और हार्दिक जैसे खिलाड़ी भांगड़ा करते दिखे। इसके बाद टीम इंडिया स्पेशल जर्सी पहनकर PM हाउस पहुंची। यहां PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री संग भारतीय क्रिकेटरों की यह मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा चली। यहां PM मोदी और टीम इंडिया की मीटिंग का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा रहा है कि कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ PM को वर्ल्ड कप ट्रॉफी सौंप रहे हैं। वहीं PM मोदी भी सभी खिलाड़ियों के साथ नजर आए। वो सभी खिलाड़ियों से एक एक कर बात करते रहे। कोच राहुल द्रविड़ काफी गंभीरता के साथ PM को कुछ बताते दिखे तो हार्दिक पांड्या भी सलीके से अपनी बात समझाते दिखे। यही नहीं, PM मोदी यजुर्वेंद्र चहल के साथ भी किसी बात को लेकर मस्ती करते नजर आए। जब टीम इंडिया को चैंपियन बनाने वाले कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी PM मोदी के हाथों में थमा दी तो PM मोदी ने खिलाड़ियों को सम्मान देने के लिए ट्रॉफी को हाथ नहीं लगाया। PM मोदी के इस कदम के लिए उनकी जमकर तारीफ की जा रही है। दूसरी ओर 1983 वर्ल्ड कप के बाद खींची गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक फोटो अब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यहाँ टीम इंडिया ने अपना पहला ICC वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। भारत ने वेस्ट इंडीज को फाइनल में हराकर एक ऐसा कारनामा किया था जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उस वक्त की PM इंदिरा गांधी ने भारतीय खिलाड़ियों का भारत में जोरदार स्वागत किया था। तब इंदिरा गांधी ने भी वर्ल्ड कप विजेता टीम के साथ फोटोशूट करवाया और वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़कर खड़ी हुई थी। हालांकि अब PM मोदी की जमकर तारीफ न केवल पूरा देश कर रहा है बल्कि क्रिकेटर्स भी अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। बता दें, PM से मीटिंग के बाद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर बहुत गर्व हुआ। हमें प्रधानमंत्री निवास पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद सर। उन्होंने PM मोदी को टैग भी किया। देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2024 खिताबी जीत के साथ रोहित शर्मा ब्रिगेड के लिए एक और खुशखबरी लेकर आया। T20 रैंकिंग में नंबर 1 भारतीय टीम अब T20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मैच जीतने वाली टीम है। भारतीय टीम ने ना T20 वर्ल्ड कप में 52 मैच खेले हैं, इनमें से 35 में टीम ने जीत भी हासिल की है जबकि 15 में उसे हार का सामना करना पड़ा। ये संकेत है कि हमारी टीम ना कभी किसी से कम थी ना कभी होगी। वहीं आज जिस तरह से देश के मुखिया ने भारत के इन शेरों को सराहा है वो भी इनमें एक नया जोश भरने के लिए काफी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।